वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं द रिबॉर्न सीरीज के एपिसोड 9 के रिव्यू और एपिसोड 10 के स्पॉइलर के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कोच टॉर्न सभी को बताते हैं कि उनके पास क्लब के लिए कोई फंडिंग नहीं है और इस वजह से शायद उनकी टीम आगे ना खेल पाए। तो कोच की बात सुनकर सभी बहुत ही टेंस्ड हो जाते हैं क्योंकि इस बास्केटबॉल मैच को जीतना सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वे लोग सभी मिलकर फंड इकट्ठा करने के बारे में सोचते हैं। तो इसी छानबीन में सभी को रियू की मॉम के बारे में पता चलता है जो कि उन्हें मदद कर सकते थे, पर सभी के बार बार कहने पर भी रियू अपने मॉम से फंडिंग के बारे में बात करने को राजी नहीं होता। पर इन सब से रियू का मूड बहुत ख़राब हो जाता है। तो जेन उसके पास जाता है और रियू से प्यार से बात करके रियू का मूड ठीक कर लेता है, जिसके बाद रियू जेन को उसके काम के जगह पर छोड़ने जाता है, जहाँ पर सभी जेन को रियू के साथ इतना हैप्पीली देख कर ये आइडिया करते हैं कि जेन और रियू के बीच में कुछ है। पर कुछ देर बाद यहाँ पर एटम भी आता है जो कि जेन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर जैसे कि जेन एटम के साथ इस मामले में कंफर्टेबल फील नहीं करता तो इस बारे में जेन एटम को अवॉइड करता है क्योंकि वो एटम का इंटेंशन बहुत ही अच्छे से समझ चुका था। फिर हम देखते हैं कोच टॉर्न अपनी चीज़ें बेच कर जेन की टीम की मदद करना चाहते थे, जिसके लिए जेन मना कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं सभी बैठकर फंडिंग इकट्ठा कैसे करें इस बारे में बातें कर रहे थे। तो लीन को इंटरनेट पर रियू जेन का हैशटैग फेमस होते हुए दिखती है। तो लीन के कहने पर सभी डंक टैंक का इंतज़ाम करते हैं क्योंकि सभी को उनके टीम की भीगी हुई बॉडी देखना बहुत ही पसंद आता है और इन सब से उनके सच में ही बहुत ही मदद होता है। पर सभी जेन और रियू को भी डंक टैंक में डालना चाहते थे, जिसको करने में जेन और रियू पहले तो राजी नहीं होते पर क्लब के लिए आखिर में मान ही जाते है और ये सब इंटरनेट पर बहुत ही वायरल हो जाता है। तभी वहाँ पर एटम भी जेन से मिलने आता है। तो लीन एटम को भी डंक टैंक में हिस्सा लेने को कहती है, पर एटम को जेन के साथ देखना रियू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो उसका मूड ख़राब हो जाता है। तो रियू का मूड ख़राब देखकर जेन उससे कहता है कि वो एटम को पसंद नहीं करता, वो बस रियू को पसंद करता है और वो रियू के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। तो एटम जेन की ये सब बातें सुन लेता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है, पर फिर भी वो पैसों के मामले में जेन के क्लब की मदद करता है। तो सारे पैसे मिलकर जेन के क्लब ने 78,000 बाहत इकट्ठा कर लिया था जो कि उनके डिमांड से काफ़ी ज़्यादा थे। पर इधर रियू की जेलसी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था क्योंकि अब वो डंक टैंक के दौरान जेन को मिले हुए कमेंट की वजह से जेलस था। तो यहाँ पर रियू फिर से जेन को किस करके उसको पनिश करता है, जो कि एक बहुत ही फनी, क्यूट और रोमांटिक सीन है। फिर हम देखते हैं रियू जेन को उसके मॉम के हादसे को लेकर उसके पापा की पॉइंट ऑफ व्यू समझने में मदद करते हैं, जिससे लिन भी अपने पापा और उसके फीलिंग्स को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाती है। और इसके साथ हम इस एपिसोड के आखिरी सीन में रियू और जेन का बाथरूम रोमांस सीन भी देखते हैं और दोनों को यहाँ पर एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हुए भी देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट और सिजलिंग है। तो इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं जेन के स्कूल टीम ने एक बास्केटबॉल मैच जीत जाता है और स्कूल के लिए ट्रॉफी भी लेकर आता है, पर फिर भी उनके स्कूल के मैनेजमेंट कमिटी उनके बास्केटबॉल टीम को डिसबैंड करने के बारे में बात कर रहे थे। तो ये सब बातें सुनकर टीम के सभी मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आता है। तो जेन सभी को समझाता है कि ये उनका आखिरी मैच नहीं है, इसीलिए चाहे जो हो जाए उन्हें अपना बेस्ट देकर खेलना पड़ेगा और इस मामले में अपनी किस्मत से लड़ना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं जेन की दादी की तबीयत अचानक से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तो एटम भी तभी जेन के घर पे ही था, इसलिए वो भी जेन की मदद करता है इसमें, और रियू तो हमेशा उसके साथ है ही। तो डॉक्टर जेन की दादी का चेकअप करने के बाद जेन से कहता है कि उन्हें जेन की दादी का जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो जेन को अपनी दादी के ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे जो कि जेन के पास बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए एटम जेन को स्ट्रीट बास्केटबॉल खेलने का आइडिया देता है, जिससे जेन एक ही बार में 15,000 बाहत कमा सकता है। तो जैसे कि जेन के पास अभी इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो ये गेम खेलने के लिए राजी हो जाता है, जिसमें रियू और एटम भी उसकी मदद करते हैं। इसलिए हम जेन, रियू और एटम को एक साथ स्ट्रीट बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं। तो जाहिर सी बात है वे लोग तो जीत ही जाएंगे और जेन को अपनी दादी के ट्रीटमेंट के लिए पैसे भी मिल जाएंगे और उसकी दादी का ऑपरेशन
एक्शन भी बहुत ही अच्छे से हो ही जाएगा। और इसके अलावा हम यहाँ पर जेन और रियो का कपल मोमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। ओके गाइस, आज के स्पॉइलर में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए बीएल स्पॉइलर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।